हाय दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने कुछ हटके नाश्ता बनाया है और सच मानिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी जल्दी बनने वाला नाश्ता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी बनता है। तो चलो देख लेते ये मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने 2 आलू लिया है, इसको छील लिया है, धुल लिया है अच्छे से। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है, बहुत बड़े टुकड़े नहीं करने हैं इसके। अब इसको हम ऐसे कट करेंगे, ये देखिए ये मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से 1-2 पानी में धुल लेंगे। अब इसको हम धुल लिए हैं, एक मिक्सी बाउल में इसको डाल देंगे और इसको बहुत बारीकी से पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक से पीसना है, थोड़ा सा इसमें हम पानी भी ऐड कर दें जो हमको पीसने में दिक्कत ना हो और अच्छे से ये पीस जाए। ये देख लीजिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है, बहुत पतला पेस्ट बनाया है इसको, ऐसे ही ये बनता है। बस अब इसमें हमको आप आटा ले ले या मैदा ले ले जो आपके पास हो, आप इसको डाल सकते हैं इसमें, दोनों से अच्छे से बन जाता है। अब इसमें मैंने मैदा ले लिया है, हमको इसको मतलब बहुत सॉफ्ट बनाना है, इसको बिल्कुल टाइट नहीं करना है, सॉफ्ट बनने से मतलब अच्छा बन जाता है। इसमें मैंने 2 कटोरी ली है। अगर आपको लगता है कि अभी और गीला है तो इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेंगे। मेरा भी थोड़ा और सॉफ्ट था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया था। ये देखिए थोड़ा सा इसमें हम तेल भी ऐड कर लेंगे जो मेरे हाथ में चिपके ना। ये देखिए अब ये तैयार हो चुका, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल टाइट नहीं है। इसको हमको ऐसे ही बनाना है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाला था जो देखिए सॉफ्ट हो गया, आप ये हाथ में नहीं लगता ऑयल की वजह से। अब इसको हम बना लेंगे, इसको हमको रखना नहीं, तुरंत बनाना है। ये जो हम पूरी छानते हैं ना, इसको इस सबके घर में रहता है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसकी गोलियां निकालेंगे छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं लेनी हमको, छोटी छोटी गोलियाँ लेनी है। अब कुछ नया इसको हम डिज़ाइन देंगे, इसके लिए मैंने एक प्लेट लिया है, उसमें गोलियां बना के रख देंगे। अब ये जिससे हम पूरी छानते हैं ना, इससे ऐसे हमको दबा लेना है। ये देखिए आपको दिख नहीं रहा लेकिन इसमें बहुत अच्छी डिज़ाइन आई है, आप ऐसे बना के देखिए, मतलब इसमें बहुत बारीकी से नहीं दिख रहा है, दिखाने की कोशिश की है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी डिज़ाइन आई है इसमें। एक दूसरा भी बना के दिखा रहे हैं आपको हम, ये देखिए। अब इसको ऐसे ही तैयार कर लेना, ये पूरा तैयार हो गया है। अब एक हम पैन लेंगे, उसमें मतलब गर्म हो जाए तब इसको डालना है। ये गर्म होगा इसको हम डाल देंगे इसमें, इसको हमको 15 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। 15 मिनट बाद ये कलर चेंज हो जाएगा इसका, उसके बाद इसको निकालना है हमको। ये देखिए अच्छे से अगर हो जाएगा तभी खाने में अच्छा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ये पक चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देख सकते हैं आप, मतलब बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है होगा लेकिन दिख रहा है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसमें अब ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे, हमने इसे पानी डाल दिया है। इसको हमें 15 मिनट तक कुक करना है। अब मैंने एक बाउल लिया, उसमें डाल दिया है। अब एक पैन लेंगे हम, इसमें हम तेल डालेंगे, तेल गुनगुना हो जाने के बाद इसमें हम राई डालेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मतलब आपका मन हो तो डाल सकते हैं, आपका मन ना हो तो ना डाल सकते हैं, आपको जैसा खाना हो। अगर आप कम ऑयल कर खाते हो तो कम भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर, अब इसमें राई डाल देंगे, ये चटक जाएगा उसके बाद में। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, ये मैंने डाल दिया है, 2 मिनट इसको पका लेंगे। उसके बाद रेड चटनी, अब इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन चटनी भी डाल देंगे,
दो मिनट से इसे अच्छे से पका लेंगे। अगर आप चाहे तो इसको तड़का भी दे सकते हैं, नहीं इसी में अच्छे से कुक कर सकते हैं। मैंने इसको डालकर बहुत मतलब 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से कुक कर लिया था। इसमें हमें नमक वमक नहीं ऐड करना, ये ऐसे बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए अच्छे से कुक हो गया है। ये बॉयल तो ही आ ही गया था, अब इसे हमको कुक करना है। बस अब इसको हम निकाल लेंगे, हो चुका है ये। अब इसको हम निकाल लिए हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सच मानिए खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। बाय दोस्तों।